कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बताइए? हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना? इज इक्वल टू ये ईयरली के लिए है ना, आर बाई 100 को क्या बोला जाता है? आई। हाफ ईयरली रहेगा तो क्या करेंगे? एन के जगह क्या हो जाएगा? 2N। और आर के जगह क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्वार्टरली बोलेगा तो फोर एन और आर बाई पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो प्लस, सिर्फ मशीन में क्या हो जाएगा? माइनस। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। अब कुछ ट्रिक को समझेंगे, कुछ ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक लिख लीजिए, अगर हम आपको एक सम्स दें, किए भी थे आप एक सम्स किए थे, इन व्हाट टाइम वुड अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, डबल इटसेल्फ 8%, 10%, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां पर हम लोगों को लॉग दिया रहता था और निकालना पड़ता था। मान लीजिए अभी एमसीक्यू हो गया और लॉग आपको नहीं दिया और डबल और ट्रिपल के बारे में अगर बात किया तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बनाने के दो रास्ते हैं। बोलता है इन व्हाट अ टाइम विल अ सम ऑफ मनी गेट डबल, डबल हो जाएगा तो पी 100 मानना होगा, ए डबल 200 मानना पड़ेगा, आर 8% सेकेंड के लिए, 10% 12%, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। देखेंगे जी, निकालने के तरीके दो हो गए। जब आप इसको लेके निकालेंगे तो आप बोलेंगे पी इज इक्वल टू 100, डबल बोल रहा है तो ए इज इक्वल टू 200, और आर इज इक्वल टू 8% तो एन पूछ रहा है कितना दिन में होगा। तो प्रॉपर आपको ये फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ेगा। आगे जाने के बाद आप रुक भी जाएंगे, रुक जाने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? लॉग मिलना चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स करके निकालते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर का हेल्प लेके निकालते हैं। बट देखिए कितना आसान है, यहां पर एक ट्रिक मैंने दिया है। इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जैसे यहां पर एनुअली बोल रहा है पर एनम, तो कोई भी मनी डबल हो जाएगा आप यूं बता सकते हैं। पहला डबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला फर्स्ट के लिए 72 बाई आर, 72 आर कितना है? 8, कितना होगा बोलो, जल्दी बता। 9 years। ये जो रेलवे बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन में एग्जाम्स देते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, निकल गया। क्या किया? सिर्फ 72 ऊपर रखा और नीचे में जो भी रेट है। तो जरा आप बताइए तो बी नंबर कैसे होगा? 72 ऊपर रहेगा, 10 कितना आया? 7. एग्जैक्ट आया तो 7.2 ईयर्स। चलो सी, कितना है बोलो, कितना होगा? ए बी सी डी में जो रहेगा टिक कर लेंगे, इतना लंबा बनाने का दरकार क्या है? ओके फटाफट करो, अभी एमसीक्यू आ गया ना तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो गया कॉपी, बढ़े आगे। डबल के जगह अगर ट्रिपल बोल देगा, अभी हम लोग एक सवाल भी बनाए थे, अभी देखेंगे। तो चलिए ट्रिपल वाला कीजिए,
फार्मूला है। जैसे ट्रिपल के लिए क्या फार्मूला है, अभी इसी को थोड़ा बना लो, जहां डबल है वहां पर क्या करेंगे आप, आप बना सकते हो इसको दो तरह से, लॉग भी दिया रहना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बोल रहा है मतलब पी 100, तो ए कितना हो जाएगा 300, पहला एक बना रहे हैं, फिर ये फार्मूला में आपको बनाना पड़ता, बट हम एमसीक्यू कर रहे हैं इसलिए ट्रिपल के लिए क्या है बोलिए, तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा 14 कितना है 10, कितना होगा बोलिए, ट्वेल्व करेंगे तो कितना आएगा 9.5। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था कि जो पुराना सवाल था वही आया है, तो यहां पर भी वही होगा। तो पुराने सवाल को यानी ईयर को हम लोग जरूर ऑनर देंगे, 2011 से लेके 2017-18 जहां तक भी हो जाए मिटा दें, निकालो 2011। देखो क्या है ना, सब चीज जान के रखना चाहिए। वादी वे आप कॉलेज गए एग्जाम देने के लिए और बाहर में एक स्टूडेंट बोला कि देखो कोई मनी डबल कितने दिनों में होगा, तुम ओरली इससे कर सकते हो, और आप करके देखेंगे, देखें अरे ये तो हो गया, तो आपको क्या महसूस होगा, अरे यार मातुर सर खुद बैंक में है लेकिन ट्रिक तो बताया नहीं, जबकि ट्रिक करके ही बैंक का मैथ सॉल्व किया होगा, तो ट्रिक तो नहीं बताया। देखेंगे जी ये सब, अभी एमसीक्यू आ गया तब ट्रिक ठीक है, अदरवाइज ट्रिक चलता क्या, नहीं ना चलता। तो बहुत सारे ट्रिक्स के ऊपर ही तो मैथ के टीचर मैथ पढ़ाते हैं, जो कंपटीशन के मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो कंपटीशन का आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बट अब एमसीक्यू आ गया तो जो बातें हो सकता है उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस कर ले। देखो पिछले क्लास में हम लोग कुछ सम्स किए थे जिसके अंदर एक दो बढ़िया बढ़िया सवाल आपने किया था। एक तो आपने किया था इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2% वाला किए थे, तो कब 40% हो जाएगा बढ़ के किए थे। चलिए अब एक सवाल करवा रहे हैं, बढ़िया है, पहले इस तरह का एक सवाल और करवा दें तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं 14। The population of a country increases every year by 2.4%. R दे दिया। Of the population at the beginning of that year, पिछले year में जितना population है उससे 2.4% बढ़ जाता है, okay? In what time will the population double itself? तो उस country का population double कितने दिनों में हो जाएगा? Answered टू द नियरेस्ट ईयर, एंड लॉग यहां पर आपको दिया हुआ है दो, एक लॉग 2 का वैल्यू दिया हुआ है और एक लॉग 1.024 का वैल्यू दिया हुआ है। आइए देखते हैं करके इसको। P इज इक्वल टू 100, डबल बोल रहा है तो 200, और यहां पर आर कितना दे रहा है बोलिए, क्या मांग रहा है, डबल बोल रहा है और लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपके पास रास्ते दो खुले हुए हैं, एक तो आपको बनाना पड़ेगा, अल्टीमेट आंसर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप एबीसीडी में खोजेंगे। दो तरह से निकाल सकते हैं, कैसा पसंद करेंगे आप बताइए। नो डाउट अभी क्या किए थे आप डबल के लिए,
तो 72 डिवाइडेड बाई, तो आ जाएगा कितना 30। लेकिन थोड़ा एक बात का याद रखिएगा, यहां पर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे। अगर लॉग दिया हुआ है तो आप लॉग को लेके पूरा करिएगा। कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं वहां पर एग्जैक्ट आंसर दिए जाते हैं, और ये जो अभी आपने देखा ना डिवाइडेड बाई वाला, ये राउंड में आंसर आते हैं, तब आप फंस जाएंगे। ये मैंने बता दिया ट्रिक के लिए, बट इस ट्रिक को थोड़ा देर के लिए आप वहीं तक सीमित रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग कोई कंपटीशन का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हैं। क्यों? अभी आते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आंसर चेंज होंगे, दिखा रहे हैं, बनाते हैं इसको पूरा। तो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 डिवाइडेड बाई एन, कितना हो जाएगा यहां 100। इसके आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है तो क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? हम लोग बढ़ेंगे ना, क्या करेंगे बोलिए। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग टू एन नीचे उतर गया, ठीक है। अब देखो लॉग टू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है तो 0.3010, ठीक है। एंड लॉग 1.024 का भी वैल्यू दिया हुआ है, 0.0103। तो अभी देखिए डिवाइड करो कितना आया बोलो, 29.22 ईयर्स में उस कंट्री का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। अब आंसर में एबीसीडी देखना पड़ेगा, एबीसीडी में अगर 29.22 है तो एग्जैक्ट 29.22 होगा। अगर हम इसको राउंड करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, 30, 50 से कम है, तब हम तो इसको 29 ईयर्स लिखना पसंद करेंगे, करेंगे कि नहीं बोलिए। अगर मान लीजिए वहां पर एग्जैक्ट दिया हुआ है 28, 29, 30, 31, मान लीजिए वहां चार ऑप्शन दिया हुआ है 28, 29, 30, 31, तो हम लोग एग्जैक्ट क्या लेंगे 29। बट अब जरा उसको यूज करके देखो, डबल बोला है, डबल में एक नियम है जो ट्रिक वाला बात वो यूज होता है। किसको किससे डिवाइड करेंगे बोलिए, 72 डिवाइडेड बाई आर 2.4, कितना आ रहा है बोलिए एग्जैक्ट। अब जरा मेरे को बताइए डिफरेंस है कि नहीं है? तो ट्रिक मैंने इसलिए बता दिया कि आप कॉलेज में जाएंगे कोई ना कोई जरूर से थोड़ा ज्यादा उछलेगा। कौन उछलेगा? क्योंकि जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन का, उसको यह नहीं पता कि कंपटीशन अलग होते हैं और एकेडमिक अलग होते हैं। एकेडमिक हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम एंट्री मार सके कंपटीशन के अंदर जाने के लिए, एलिजिबल हो सके 10, 12, बीकॉम, ग्रेजुएशन, ये सारे चीजों के लिए। लेकिन उसको इसके साथ कैसे मिला सकते हैं आप? वहां पर जब आंसर सेट होगा ट्रिक में तो वहां रहेगा अलग अलग 30, 31, ऐसे करके कुछ अलग अलग रहेंगे, तो वहां 30 आपको दिखेगा। बट यहां पर तो 29.22 को ये लोग ज्यादा प्रेफर करेगा, 29.22 तो 28.18 ऐसे करके देगा। बात आ गया समझ में? तो ट्रिक को अभी होल्ड कर देना, इसे वहां करके एक बार देख लेना, अगर देखेंगे कि ठीक ठाक आ रहा है वही है और कुछ नहीं आ रहा है आगे पीछे, तो फटाफट हम इतना लंबा में नहीं जाएंगे। मान लीजिए जो 2 मार्क्स वाले में है उसमें ऐसा सेट करेगा कि 30 इयर्स रहेगा, 32 रहेगा, 34 रहेगा, 36 रहेगा,
तो अपने को तो 30 इयर्स मिल गया ना, ठीक है जी।